हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं मैं वीकेंड्स पे आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे हम लोग पिछली बार मैं आपके लिए लेकर आया था मिराज पे, जिसको हम लोग हिंदी में मरीचिका बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था डेजर्ट में कैसे फ्रेंड्स हम लोगों को ऐसे दिखता है, या फिर गर्मियों के दिनों में ऐसे लगता है ना रोड पे पानी है बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो हम लोगों ने कवर किया था, एक बार एसिड रेन का किया था। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप मुझे बताइए कि ये इफेक्ट अच्छा है या बुरा, है ना। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत आप लोग का छोटा सा और बिल्कुल आप लोग का इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी फ्रेंड्स, आप इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी साइंस की फ्री स्पेशल क्लास भी चलती है अनअकैडमी पे, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। नाम मेरा है नीरज जांगड़, आप लोग जैसे सर्च करेंगे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। वहाँ पर एसएससी की मैं रोज शाम को 4 बजे क्लास लेता हूँ फ्रेंड्स, तो वो आप लोगों को प्रोसीजर में लास्ट में बता दूंगा कैसे मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं टॉपिक पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता यानी हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो क्या होता, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान कितना होता प्यारे दोस्तों? -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, हरित गृह प्रभाव नहीं होता। क्या इस टेम्परेचर पे क्या जीवन संभव हो पाता? क्या -18 डिग्री सेल्सियस पे क्या जीवन संभव हो पाता कि नहीं हो पाता? पीने का पानी नहीं होता, सभी जगह सब चीज़ें जम चुकी होती, पीने का पानी तक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नेसेसरी है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेसेसरी है। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, आपने फ्रेंड्स नर्सरी में देखा होगा, कभी नर्सरी में गए होंगे तो वहां पर कुछ इस टाइप का ये बना होता है ना, ग्लास के ऐसे मान लीजिए छोटे घर जैसे बने होते हैं, झोपड़ी जैसे। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो टोमेटो होते हैं या जो भी ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं यानी टमाटर जो होते हैं और उष्णकटिबंधीय जो फूल होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इसमें रखते हैं। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, ये आपका सन है, ये क्या है, सन है। सन से क्या आएगी फ्रेंड्स, सन से क्या आएगी फ्रेंड्स, लाइट रे आएगी नहीं आएगी बताइए, लाइट रे आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब ये जो ग्लास का जो आप लोगों ने एक घर टाइप का बना हुआ है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे एंटर होके ये अंदर आ जाएगी, और ऑब्वियसली पार्ट है फ्रेंड्स, कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। तो फ्रेंड्स जो ये रिफ्लेक्ट होगा ये इसके बाहर नहीं जा पाएगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगा सर ये इससे बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों हम लोग ऐसा क्या चाह रहे हैं, ऐसा क्यों चाह रहे हैं जिससे बाहर नहीं जा पाए फ्रेंड, जिससे एक अंदर हीट मेंटेन रहे, जिससे अंदर क्या रहे फ्रेंड्स, हीट मेंटेन रहे, उष्मा रहे, हीट मेंटेन रहे, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, डेट विल हेल्प इन ग्रो ऑफ टोमेटो एंड ट्रॉपिकल फ्लावर्स। जो भी ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं और टोमेटो, उनके ग्रो के लिए ये चीज़ जरूरी होती है, थोड़ा टेम्परेचर जरूरी होता है, इसके लिए हम लोग ये करते हैं। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, क्या अ ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विद ग्लास वॉल्स एंड अ ग्लास रूफ। बेसिकली एक बिल्डिंग है, ग्रीन हाउस क्या है, एक बिल्डिंग है, ग्लास की बिल्डिंग है। तो ग्रीन हाउस आर यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स सच एज टोमेटोस एंड ट्रॉपिकल फ्लावर्स। जो आप लोगों के फ्रेंड्स टोमेटो होते हैं, टमाटर होते हैं, ट्रॉपिकल फ्लावर्स की ग्रो के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। अब आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा ऐसा कि भैया आप गाड़ी में बैठे हो, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, यदि सर्दी के दिनों में भी आप लोग क्या देखते हो कि कभी कार को आप लोग बाहर खड़े कर दे हो और फ्रेंड जब आप लोग गेट खोल के अंदर बैठते हो तो आप लोगों को हीट लगती ही नहीं लगती बताइए, आप लोगों को गाड़ी गर्म लगती नहीं लगती। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो सन से लाइट रेज आ रही है, सन से जो लाइट रे आ रही है फ्रेंड्स, वो अंदर आ रही है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन इस ग्लास के कारण ये अंदर ही ट्रैप हो गई, इस ग्लास के कारण ये क्या हो गई, अंदर ही ट्रैप हो गई, इस ग्लास के कारण ये अंदर ही ट्रैप हो गई। तो डेट इज आल्सो अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसा हो क्या रहा है जिससे फ्रेंड्स क्या हो, ये अंदर ही ट्रैप हो रही हो, और ये किस लिए यूजफुल है, कैसे यूजफुल है देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली कि अगर ग्रीन हाउस नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका ऑन एन एवरेज टेम्परेचर कितना रहता, -80 डिग्री सेल्सियस रहता। यानी क्या हमको चाहिए, क्या
हमको चाहिए क्या कि अर्थ के चारों ओर फ्रेंड्स हीट मेंटेन रहे, जिससे फ्रेंड्स ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -18 में नहीं हो प्लस में हो, जैसे अभी फ्रेंड्स कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं जो अर्थ है उसके चारों ओर फ्रेंड्स क्या रहे, हीट मेंटेन रहे। तो ये हीट मेंटेन करने का जो कार्य कर रहा है वो कौन सी गैसेज कर रही है, वो ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग उसको बोलते हैं। कैसे करेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस डेट अकर्स व्हेन गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सनशीट। अगर जो भी अर्थ के फ्रेंड्स सराउंडिंग में जो गैसेज है वो अगर सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स टेम्परेचर मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा, जिसके वजह से जीवन संभव हो पाएगा। तो हो क्या रहा है, बात को समझो। देखिए जैसे मान लीजिए ये अपनी क्या है फ्रेंड्स, ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, क्लियर। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पर गैसेज रहती नहीं रहती, बताइए यहाँ पर गैसेज रहती नहीं रहती, यहाँ पर गैसेज रहती नहीं रहती, रहती है। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले सनलाइट रीचेज दी अर्थ, जो सूर्य की किरणें होती है, सबसे पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या होता है, जो सनलाइट होती है सूर्य की किरणें होती है वो क्या आती है फ्रेंड्स, वो अर्थ की तरफ आती है। कैसे आती है, ध्यान से देखिए, इसको चलने दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले सनलाइट रीचेज द अर्थ, क्लियर। अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, अधिकांश भाग इसका परावर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, क्या ये आपकी अर्थ हीट होगी नहीं होगी, कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब होगा ना भाई, सनलाइट जो आ रही है उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब होगा, तो फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो फ्रेंड जब भी कोई हाई टेम्परेचर की बॉडी होती है वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालती है, अपने अंदर से विकिरण निकालती है। तो फ्रेंड्स ये विकिरण वापस कहाँ चली जाएगी, स्पेस में चल जाती है। लेकिन क्या होती है, यहां पर फ्रेंड्स कुछ गैसेज होती है, यहां पर कुछ गैसेज होती है जो उन विकिरण को, उन रेडिएशंस को क्या कर लेती है फ्रेंड्स, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से यहां का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब वो मेंटेन जो ट्रैप किस वजह से कर पा रही है, देखो बात को, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये क्या है, अपनी अर्थ है, ये है अर्थ, क्लियर। ये क्या है फ्रेंड्स, सन है, सूर्य है। सूर्य से क्या आती है फ्रेंड्स, लाइट रेज आती नहीं आती, बताइए प्रकाश किरणें आती नहीं आती, ठीक है। अब यहां पर हम लोग मानते हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ये है अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब सन से यहां पर हमारे पास में क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जो सन से जो लाइट रेज आ रही है, मोस्ट ऑफ दी जो लाइट रेज होती है फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है फ्रेंड्स। इन लाइट रेज का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब भी कोई बॉडी हीट होती है, गर्म होती है, वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है, विकिरण उत्पन्न करती है, और ये रेडिएशन के साथ में क्या निकलती है फ्रेंड्स, हीट निकलती है। मतलब ये अपनी जो हीट का लॉस कर रही है वो किस फॉर्म में करेगी, ये अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगी, सर रेडिएशंस निकालेगी, रेडिएशंस क्या निकालेगी, विकिरण निकालेगी फ्रेंड्स। अब ये रेडिएशंस कहां पर जाएगी, वापस स्पेस में जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या ये ठंडा होगा या नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या ये ठंडा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ठंडा होगा। तो यहां पर क्या होती है, कुछ गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है आप लोगों की, वाटर वेपर होती है। ये क्या होती है फ्रेंड, जो ये रेडिएशंस निकल रही है इसको क्या करती है फ्रेंड्स, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे वाटर के पास में गई तो ये यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देगा, यहीं पर। तो इसके सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में क्या टेम्परेचर मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए रहेगा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड जो गैसेज इन हीट को ट्रैप कर रही है, हीट को ट्रैप कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, यानी हरित गृह गैसेज बोलते हैं। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, आपने बोला फ्रेंड्स ये क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, इसको वापस यहां पर भेज देगा, जो भी इससे रेडिएशंस निकल रही थी ना, अर्थ से विकिरण निकल रही थी, वो इसको वापस भेज देगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, जो सन से आने वाली लाइट रे है ये इसको वापस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसको अपने अंदर में से गुजरने क्यों दे रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये इसको क्यों आने दे रहा है, तो बात को समझो, ठीक है। यहां पर एक चीज बात को समझो, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि जो भी सन से जो लाइट रे आती है, या मैं बात करूं फ्रेंड्स जो भी लाइट रे आती है, जो भी रेडिएशंस आती है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है आप लोगों की विजिबल, ठीक है,
वो क्या होती है, ध्यान से समझो, वो विजिबल लाइट रे होती है। विजिबल लाइट रे का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिनकी वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, जिनकी वेवलेंथ क्या हो फ्रेंड, छोटी हो, जिनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या होती है, छोटी होती है। और जो कि अब भैया ये जो विजिबल जो रेज होती है ये कौन से टेम्परेचर पे निकलती है, देखिए कितने हाई टेम्परेचर पे, यानी सन, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, विजिबल होती है। ठीक है, क्लियर है क्या, इनकी जो वेवलेंथ होती है फ्रेंड्स क्या होती है, देखो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ऑर्डर आप लोग देख लो 0.5 × 10⁻⁶ मीटर ऑर्डर की ये होती है। ठीक है, और जो फ्रेंड्स जो लो टेम्परेचर से जो रेज निकलती है, जो किरणें निकलती है, जो रेडिएशंस निकलती है, कौन सी निकलती है फ्रेंड्स, वो इंफ्रारेड निकलती है। इंफ्रारेड क्या होती है फ्रेंड्स, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू सर्कमस्टेंस वेयर द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब, बट द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड ऑब्जेक्ट्स आर अनेबल टू पास थ्रू द मीडियम। यानी जो आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्ट वेवलेंथ आती है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट रे आती है, यानी छोटी तरंग दैर्ध्य वाली जो प्रकाश किरणें आती है फ्रेंड्स, वो तो इससे निकल जाती है, आराम से इससे पास हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो रेडिएशन एमिट हुए, जो विकिरण उत्पन्न हुए, उनकी तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। उनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो फ्रेंड्स वो इससे क्या होता है, पास नहीं हो सकते, वो वापस इसको क्या कर देता है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे यहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्लियर है क्या, तो द ट्रैपिंग ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ, यानी जो लंबी तरंग दैर्ध्य वाली जो आप लोगों की रेस थी, उनकी ट्रैपिंग होने की वजह से यहां पर हीटिंग रहती है और हाई टेम्परेचर आप लोगों को क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर है क्या, मैंने आप लोगों को बता दिए लाइट रेस कौन कौन से टाइप्स की होती है, हम लोगों को यहां पर सिर्फ यहां से मतलब है, इन दो चीज से, विजिबल कौन सी है जो सन से आ रही है, सूर्य से आ रही है, और इंफ्रारेड वेव कौन सी है जो फ्रेंड्स कोई हीटेड ऑब्जेक्ट, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गर्म होने पर जो अपने आप में से जो रेडिएशंस निकाल रहा है वो कौन से निकाल रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकाल रहा है, जो कि फ्रेंड्स स्पेस में नहीं जा पा रही है। कारण क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसको ट्रैप कर रही है। अब बात आती है कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज है कौन सी, होती क्या है, तो मैंने बता दिया भैया जो सन से जो लाइट रेज आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने किसी मेटेलिक सरफेस को रोड पे रख दिया, ये गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होएगा, तो जब ये गर्म होगा तो फ्रेंड्स ये अपने अंदर से क्या निकालेगा, रेडिएशंस निकालेगा। भाई थोड़ी देर बाद में ठंडा होगा ना, तो अपने अंदर से क्या निकालेगा फ्रेंड्स, रेडिएशंस निकालेगा। ये रेडिएशन वापस कहां पर जानी चाहिए थी, स्पेस में जानी चाहिए थी, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज इन अर्थ एटमोसफेयर दैट ट्रैप हीट, दे लेट सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोसफेयर बट दे प्रिवेंट द हीट दैट द सनलाइट ब्रिंग फ्रॉम लिविंग द एटमॉस्फेयर। मतलब जो लाइट रेज सन से अर्थ की तरफ आ रही थी ये उनको तो जाने देती है, लेकिन जो अर्थ से सन की तरफ जा रही थी फ्रेंड्स उनको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो ये गैसेस कौन कौन सी फ्रेंड्स, वाटर वेपर है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेज है। आप लोग बोलेंगे इन गैसेज में ऐसा क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी तो होती है, नाइट्रोजन भी तो होती है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रैप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ये डाई एटोमिक गैस है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये डाई एटोमिक गैस है। ये कैसी है फ्रेंड्स, ये मोनो एटोमिक गैस है, ट्राई एटोमिक गैस है, ठीक है, ट्राई एटोमिक गैस है। ठीक है, जैसे मीथेन की हम लोग बात करें CH4, तो इसमें हो क्या रहा है बात को समझो, जैसे जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है ये आप लोगों की मोनो एटोमिक गैस है, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स दो से ज्यादा है, इसमें अणुओं की संख्या दो से ज्यादा है। जैसे वाटर वेपर की बात करें, देखो इसमें तीन मॉलिक्यूल है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CH4 की बात करें, तो सर इसमें होता क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो, जो भी लाइट रेज आ रही है जो फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट हुई, जैसे बात करें CO2, तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, जब भी ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है, ये कंपन करने लग जाता है। फ्रेंड्स जब ये वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, तो जो भी लाइट रेज आती है उसको वापस क्या कर देते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वाइब्रेट होने लग जाते हैं, ये समझ गए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, देखिए ये इंफ्रारेड रेडिएशन आए तो ये वाइब्रेट होके वापस भेज देते हैं, ये वाइब्रेट होके जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन आए वाइब्रेट होके वापस भेज देता है। क्लियर है क्या, तो अब मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूं कि बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, चलिए हो क्या रहा है, सबसे पहले बात समझो, सन से क्या आया फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, सन से क्या आया, सोलर रेडिएशन आई अर्थ के एटमोसफेयर पर आई। क्लियर है क्या, देख लेते हैं, आई कुछ पार्ट इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है,
स्टेप टू में क्या हुआ, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हुआ जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, ओशियन का बढ़ा, यहाँ पर जितने भी लैंड थी पृथ्वी थी उसका टेम्परेचर बढ़ा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा, विकिरण निकालेगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जो ये विकिरण निकल रहे थे यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो उनको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ट्रैप करके इसको वापस अर्थ की तरफ भेज देती है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो ये जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंड्स एटमोसफेयर में, तो ये बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर ट्रैप कर लेगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लियर है क्या। तो मैं आप लोगों को बात बताता हूँ हो क्या रहा है, कौन कौन सी आप लोगों की ग्रीन हाउस गैसेज है, ये फ्रेंड्स कैसे कैसे निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, माना ग्रीन हाउस गैसेज अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएगी हमारे एटमोसफेयर में तो वो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी, हीट ज़्यादा ट्रैप करेगी तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्लियर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप लोग कोयले का दहन करोगे, वनों के कटान से फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन कैसे निकलती है फ्रेंड्स, आप लोगों के ऑक्सीजन जीवाणु की प्रक्रिया, इनसे ही आप लोगों की मीथेन निकलेगी, समझ पा रहे हो बात को। नाइट्रस ऑक्साइड है, कोयले के दहन से निकलेगी फ्रेंड्स, उर्वरक से निकलेगी, फर्टिलाइजर से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज माना अच्छा है लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, दिक्कत देख रहे हो फ्रेंड्स कि जो हमारा ईयर बाय ईयर जो अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर फ्रेंड्स वो बढ़ता जा रहा है, देखो मैं एक डाटा आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले 1880 में देखो, जैसे जैसे फ्रेंड्स ईयर होते जा रहे हैं देखो फ्रेंड्स क्या हालत होती जा रही है, देखो थोड़ा सा और गर्म होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा, देखो फ्रेंड्स क्या ये प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, देखो देखो क्या हालत हो गई 1999 में, 2007, 2009, 12, 14, 17, 18 में पहुँचते पहले क्या हुआ करती थी, देखो पहले कितना बढ़िया था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, देखो देखो अब देखो 1961, 70, 74, 1985, 1995, 90, 2000, 2005, 8, 14 में देखो क्या हालत हो गई, समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है क्या। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। तो फ्रेंड्स इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं फ्रेंड, जो सी लेवल है वो राइजिंग कर रहे हैं, जैसे पहले अभी सी लेवल ये है 2030 में यहाँ पर पहुँच जाएगा 2050 में यहाँ पर, क्लियर, जो कि बहुत दिक्कत की बात है फ्रेंड। चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, बारिश का कोई अता पता ही नहीं है, कभी भी आ रही है, ठीक है, जो आप लोगों के फ्रेंड्स आइस पीक थे, चोटियाँ थी वो पिघल रही है, क्लियर, देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों को पिघल रही है, तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग मुझे बताइए सर ग्रीन हाउस गैसेस समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को पता है ये नेसेसरी भी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस कैसे इस धरती को, इस वर्ल्ड को कैसे इंपैक्ट कर रही है ये भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और आपके लिए मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए साइंस का एक मैं सीरीज लेकर आया हूँ, लेट्स क्रैक साइंस। सर ये कहाँ पर मिलेगी, इसके एडवांटेज क्या होंगे, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, MCQs में आप लोगों को करवाऊंगा, और आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर लीडर बोर्ड भी मिलेगा, पता पड़ेगा कौन टॉप कर रहा है, कौन टॉप कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जब तो बताऊँ प्रोसीजर, तो फ्रेंड्स ये क्लास की टाइमिंग होगी डेली शाम को 4 बजे, आज भी होगी फ्रेंड्स। कैसी मिलेगी, डेली शाम को 4 बजे, सुन लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, ओपन करने के बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करो एसएससी एग्जाम्स, इसके बाद में मेरा नाम सर्च करो नीरज जांगिड़, ठीक है। जैसे मेरा नाम सर्च करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आएगी, फोटो ऐसे लगी हुई है, इसको आप लोग फॉलो कर लो, और फॉलो में जाके स्पेशल क्लास में जाना, फॉलो में जाके किस में जाओगे फ्रेंड्स, स्पेशल क्लास में जाओगे, स्पेशल क्लास में, तो स्पेशल क्लास में आप लोग को मिल जाएगा। आज पहली क्लास है, क्लास का नाम होगा लेट्स, ठीक है मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेट्स क्रैक साइंस के नाम से आप लोग क्लास मिलेगी, और आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो 4 बजे जरूर आना, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत एडवांटेज है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाते हैं, तो अगर आप लोग ले रहे हैं तो रेफरल कोड अगर लगाएंगे नीरज 11 तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना क्या क्लास आपके लिए यूजफुल थी, क्या मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं वीकेंड्स पे, बताइए, जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए मिराज का बनाया था, मृग मरीचिका का, तो क्या ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।